ब्लैक बियर्ड अभी काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है, क्योंकि वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमको ब्लैक बियर्ड और उसके प्लान के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली है। तो देखो, ब्लैक बियर्ड को जब से वन पीस के वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था, तब से हमको ब्लैक बियर्ड के बारे में कोई भी चीज पता नहीं थी। यहाँ पर बस हमको यही पता है कि ब्लैक बियर्ड जो है वो भी एक डी क्लैन से बिलोंग करता है। उसके पास्ट के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, ना ही उसके फैमिली के बारे में। लेकिन वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर जब कैटरीना सैटर्न को टच करके वहां से जा रही थी, तो वहां पर सैटर्न उसको बोलता है कि तू ब्लैक बियर्ड को फॉलो क्यों कर रही है। तो वहां पर कैटरीना का जवाब था कि ब्लैक बियर्ड जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। वहां पर ही सैटर्न बोलता है कि उसका लीनियज है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल है। तो यहाँ पर सैटर्न डायरेक्टली ब्लैक बियर्ड के ब्लड लाइन के बारे में बोल रहा था। यही से हमको पता चलता है कि भाई ब्लैक बियर्ड का क्या पास्ट हो सकता है। एक तो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड जो है वो भी एक स्पेशल रेस से बिलोंग करता होगा, जैसे कि कुमा बुकनियर रेस से बिलोंग करता है। और जैसे बुकनियर रेस के लोगों के अंदर काफी ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ और काफी ज्यादा पावर रहती है, और ऐसे ही ब्लैक बियर्ड के रेस के लोगों के अंदर ऐसी कुछ स्पेशल एबिलिटीज रही होंगी। और जैसा कि हमको ब्लैक बियर्ड के एबिलिटी के बारे में यह पता है कि जब लूफी और जोरो ने उसको पहली बार देखा था, तब जोरो ने उसको बोला था कि ब्लैक बियर्ड अकेला नहीं है, वो देह है, लाइक उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी या मल्टीपल सोल्स है। और ये बात थोड़ी बहुत सेंस भी बनाती है कि उसके रेस की वजह से उसके पास में ये सारी एबिलिटीज है। जहां पर मार्को ने भी मरीन फॉर्ड के टाइम पे बोला था कि ब्लैक बियर्ड के बॉडी का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से काफी ज्यादा वियर्ड था। और हमने बगी के मुंह से भी सुना था कि ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक बियर्ड जो है वो रात को सोता नहीं है। तो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड की मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली थ्योरी थोड़ी बहुत सच भी हो जाती है कि उसके अंदर मल्टीपल पर्सनल एग्जिस्ट करते हैं और इसी वजह से एक टाइम पर एक ही पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है। और हमने ब्लैक बियर्ड के साथ में ऐसा होते हुए काफी बार देखा है कि वो बंदा कभी कभी काफी ज्यादा ईविल हो जाता है और कभी कभी कावड़ बन के बैटल के अंदर से दुम दबा के भाग भी जाता है। तो यहाँ पर हमको ब्लैक बियर्ड के ब्लड लाइन या उसके रेस के लोगों की एबिलिटीज के बारे में तो थोड़ा बहुत पता चल चुका है, लेकिन ब्लैक बियर्ड असलियत में कौन सी रेस से बिलोंग करता है, उसका पास्ट क्या है, उसकी ब्लड लाइन क्या है। तो देखो, ब्लैक बियर्ड यहाँ पर बुकनर रेस से तो बिलोंग नहीं करता है जैसा कि कुमा करता था, क्योंकि अगर सैटन को पहले से ही पता होता कि ब्लैक बियर्ड जो है वो भी एक बुकनर है, तो भाई सैटन कुमा की तरह ब्लैक बियर्ड के फैमिली को भी उठा लेता और उसको जाने तक नहीं देता। तो यहाँ पर अभी ब्लैक बियर्ड के ब्लड लाइन को लेकर ऑब्वियस सी चॉइस ये है कि ब्लैक बियर्ड जो है वो रॉकस्ट्री ज़िबैक का बेटा है, क्योंकि जब से आपने रॉकस्ट्री ज़िबैक के बारे में सुना होगा तब से आपने ब्लैक बियर्ड और रॉकस्ट्री ज़िबैक के अंदर कोई कनेक्शन है ये वाली थ्योरीज तो बहुत बार सुनी ली होगी। और हाँ, जैसा कि हमने वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर देखा कि भाई ब्लैक बियर्ड का प्लान है कि वो वन पीस के वर्ल्ड को पूरा का पूरा कॉन्करर करना चाहता है, और ऐसा ही कुछ सिमिलर प्लान था रॉकस्ट्री ज़िबैक का, जहाँ पर उसने ज्यादातर वन पीस की टेरिटरी को कॉन्करर भी कर लिया था। तो यहाँ पर ज़िबैक और ब्लैक बियर्ड का मोटिव लगभग सेम ही था, तो शायद से इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हमको ब्लैक बियर्ड और ना ही ज़िबैक के बारे में डिटेल में इतना कुछ पता है, तो होपफुली हमको आगे चल के इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा टाइम है कि हमको ब्लैक बियर्ड के पास्ट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता चले, क्योंकि अभी फिलहाल ब्लैक बियर्ड जिस प्लान से जा रहा है वैसे ही अगर उसके प्लान सक्सेसफुल होते हुए जाए तो भाई ब्लैक बियर्ड काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। क्योंकि हमने इस वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि कैटरीना ने सैटर्न को टच करा और वहां पर बोला कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो उसको देखने के बाद में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर कौन सा वाला मिशन कंप्लीट हुआ है। तो देखो, यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के कैटरीना के पास में है नाइन टेल फॉक्स फ्रूट, जो कि एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है, जिसकी मदद से कैटरीना जो है वो किसी भी बंदे की अपीयरेंस ले सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला डेविल फ्रूट जो है वो तो सिमिलर है अपने बोन क्ले के डेविल फ्रूट से, लेकिन वन पीस के अंदर सेम टाइप के दो डेविल फ्रूट्स तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कैटरीना का जो डेविल फ्रूट है वो एक टाइप से काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है, लाइक वो अपने पावर्स का यूज करके जिस बंदे के अपीयरेंस को कॉपी करते हैं वो उसकी मेमोरीज भी कॉपी कर सकती है। और जैसा कि हमको पता है कि ब्लैक बियर्ड ने पुडिंग को भी किडनैप करके रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें सेंस बनाती है कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पर पुडिंग और कैटरीना की पावर्स का यूज करके सैटर्न के दिमाग से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल सकता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन एंशिएंट किंगडम के बारे में हो या इमू के कुछ राज के बारे में। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न को पता है कि लास्ट एंशिएंट वेपन कहाँ पे रखा गया हो, और अगर ऐसी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ब्लैक बियर्ड के हाथ में लग जाती है तो भाई वो बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट को टॉर्चर करके अपनी कोई भी बात मनवा सकता है, जो कि उसका प्राइमरी प्लान रहेगा। जहाँ पर हमको एक चीज पता है कि ब्लैक बियर्ड स्टार्टिंग से ही चाहता है कि उसका जो पायरेट आयरलैंड है उसको एक पायरेट किंगडम घोषित कर दिया जाए, और अगर ब्लैक बियर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट को टॉर्चर करके या कैसे भी करके अपनी खुद की एक कंट्री बनवाने को मना लेता है तो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड जो है वो रेवरी के अंदर भी हिस्सा ले पाएगा और एक टाइप से वो पायरेट किंगडम का किंग भी बन जाएगा। और यहाँ पर सैटर्न की आइडेंटिटी चोरी करके उसको एक बहुत बड़ा वाला बेनिफिट हो सकता है, जो कि है सेराफेम्स। जैसा कि हमको पता है कि सेराफेम्स को कंट्रोल करने की सबसे ऊपर की अथॉरिटी फाइव एल्डर्स की रहती है, तो कैटरीना सैटर्न के अपीयरेंस का यूज करके इन सेराफेम्स को
कभी भी कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जब पहली बार ब्लैकबेर्ड का सामना सेराफिम से हुआ था तो भाई ब्लैकबेर्ड की वहाँ पर फटके चार हो गई थी। और वही से ब्लैकबेर्ड ने डिसाइड करा होगा कि इन सेराफिम्स को वो अपनी आर्मी के अंदर इंक्लूड करेगा, और अगर ये लोग ब्लैकबेर्ड की आर्मी के अंदर आ जाते तो भाई ब्लैकबेर्ड जो है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें चैप्टर के एंड में जो कैराबो ने करा है उसकी, कैराबो लिटरली कैटरीना के सामने जाके रोते हुए बोल रहा था कि मुझे ब्लैकबेर्ड पायरेट्स को ज्वाइन करना है। ये बंदा भाई ब्लैकबेर्ड का काफी ज्यादा तगड़ा वाला फैन लग रहा है। इसने वानो के टाइम पे भी बोला था कि उसको जो दो एंशिएंट वेपन के बारे में पता चला है वो आगे जाके उन वाले वेपन्स के बारे में किसी पायरेट को बताना चाहता है। शायद से वो अपने ब्लैकबेर्ड भाई साहब रहने वाले हैं जिनको फ्री में इतनी ज्यादा टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है। अगर सच में कैराबो ब्लैकबेर्ड को ज्वाइन कर लेता है, उसको एंशिएंट वेपन के बारे में बता देता है, तो भाई यहाँ पर ब्लैकबेर्ड के पास में तीनों के तीनों एंशिएंट वेपन भी आ सकते हैं। लाइक दो एंशिएंट वेपन के बारे में उसको कैराबो से पता चलेगा, और एक एंशिएंट वेपन के बारे में उसको शायद से सैटर्न से भी पता चल सकता है। और जैसा कि बोनी के पास में सारे के सारे फेसाफिस्टास का कंट्रोल आ चुका है, वैसे ही भाई अपने ब्लैकबेर्ड के पास में सारे के सारे सेराफिम्स का कंट्रोल आ चुका है। और आपको पता ही होगा कि ब्लैकबेर्ड इन सारी पावर्स का यूज करके क्या करेगा। ब्लैकबेर्ड लास्ट में जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट, पायरेट्स और रेवोल्यूशनरी आर्मी के बीच में बहुत बड़ा वाला वॉर करवा देगा। और जैसे ही ये लोग एक दूसरे को मार के वॉर के एंडिंग में रहेंगे, तब ब्लैकबेर्ड एकदम से सरप्राइज एंट्री करेगा और मौके का फायदा उठा के वो इमू को टपका देगा। और इमू के थ्रोन को हासिल करने के बाद में जो ब्लैकबेर्ड का सपना है कि वो वन पीस के वर्ल्ड को रूल करना चाहता है, वो ये सारी चीजें करके ही पूरा हो सकता है। और अभी भी ब्लैकबेर्ड का जो प्लान है वो इतना ज्यादा सिंपल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में उसका फाइनल डेविल फ्रूट अभी तक आया नहीं है। तो होपफुली गाइज आपको आज की ये वीडियो पसंद आ गई होंगी। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।